नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुबाना इसार खान। वक्त आगे का एजेंडा का, और आपको बता देते हैं आज शो में किन किन खबरों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ नूह में यही है कि आखिरकार नफरत की आग लगाई किसने, मुजरिम कौन है। ग्राम जीरो से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे अपडेट के साथ। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में आज दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल आने वाला है। ये बिल विपक्ष के गठबंधन इंडिया का पहला टेस्ट होगा। अगली बड़ी खबर दिल्ली के बिल की, इंडिया के टेस्ट की। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगली बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। आज एक नया मोड़ आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, इसके मायने भी आपको बताएंगे। और मणिपुर हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने वाली है। कल सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर सरकार से बड़े कड़े सवाल पूछे थे, इस पर भी नजर रहेगी। और आज पता चलने वाला है बिहार में जातीय जनगणना का क्या होगा, पटना हाईकोर्ट का फैसला इस मामले पर आज आएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो हरियाणा की खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं जहां नूह में हिंसा हुई है, और इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 2 होमगार्ड और 1 आम नागरिक। 3 लोगों की मौत हुई हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई, और इन 3 में 2 होमगार्ड के जवान बताए जा रहे हैं, 1 आम नागरिक है जिसकी मौत हुई है। एबीपी न्यूज अब तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी पहुंचा रहा है। नूह में इस वक्त स्थिति काबू में है। इससे पहले कल भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और जान गंवाने वालों में 2 होमगार्ड के जवान, 1 आम नागरिक। उपद्रवियों के हमले में यहां 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी बताया जा रहा है घायल हुए हैं। हिंसा के निशान खौफनाक है। कदम कदम पर भीड़ के आगजनी की, पथराव की, हमले की गवाही देती तस्वीरें बिखरी पड़ी नजर आती हैं। ये बताने के लिए काफी है ये सबूत कि उपद्रव करने वालों ने किस तरह कानून को अपने हाथ में लिया और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नूह में उपद्रवियों ने 80 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली। हिंसा में 50 से 60 लोग घायल हुए। हिंसा की अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तिरंगा पार्क से शुरू हुई हिंसा की ये आग चंद घंटों में पूरे शहर में फैल गई। हिंदू संगठनों ने दरअसल शोभा यात्रा निकाली थी और इसी दौरान ये हिंसा भड़की। आरोप है विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तोड़फोड़ आगजनी हुई। इसके बाद नूह देखते ही देखते हिंसा की आग में सुलगने लगा, झुलसने लगा। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया जिसमें होमगार्ड के 2 जवानों समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों की बड़ी तादाद होने की वजह से पुलिस उनके तांडव को रोक नहीं पाई। अभी का ताजा अपडेट ये कि नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। 2 दिन के लिए जो परीक्षाएं होनी थी उनको भी रद्द कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी नूह में फिलहाल बंद है। तो नूह में ये जो हिंसा हुई है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट खौफ के उन पलों का सच बताने वाली है जिस दौरान हजारों लोग सहमे हुए थे। जो भी हिंसा प्रभावित इलाकों से गुजर रहा था वो डर के साए में था। उपद्रवी बेकाबू नजर आ रहे थे, कहीं गाड़ियां जल रही थी, कहीं धर्मस्थल पर हमले किए जा रहे थे। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से यहां पर आधी रात को भी सड़क पर यहाँ पर जो है वो टूटी फूटी हुई हालत में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मेवात के नलहड़ मंदिर से रेस्क्यू कराकर पुलिस लाइन पर पहुंची, और ये वो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कराकर पुलिस यहाँ पहुंची है। जो बाहर के जितने लोग थे 50 के लगभग 40 के करीब बसें और गाड़ियां वो सारा रेस्क्यू किया है पुलिस ने। फिलहाल सोहना
में ही मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो रास्ता आगे नूह की ओर जाता है, इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पहाड़ों में से गोलियां चलाई आमने सामने से, किसी भाई के तो जांग पे लगे, किसी भाई के पेट में लगे, एक भाई के माथे पे छू के गई है गोली। अभी दिल्ली अलवर रोड पर जगह जगह पर फूकी हुई गाड़ियां जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से इन गाड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है। तो बिलाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे और आपने देखा किस तरीके से दहशत के अंधेरों में नूह की बीती रात गुजरी है। और अभी का अपडेट जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे नूह से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, दोनों साथ में ही मौजूद है आप देख रहे हैं। अभिषेक का रुख करेंगे और जानेंगे अभिषेक से कि अभी आज की सुबह नूह में कुछ सुकून शांति नजर आ रही है या अभी भी तनाव है। अभिषेक देखिए रोमाना, तनाव बिल्कुल यहाँ नजर आ रहा है और अभी अभी जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखाया कि जो गाड़ियां जली थी उनको हटा दिया गया है, पत्थर हटाए जा रहे हैं, लेकिन जो कल हुआ है उसकी छाप लगातार यहाँ दिखाई दे रही है। मनोज वर्मा हमारे साथ है। मनोज, पूरा आप सोना से यहाँ तक देखते हुए आए हैं, रास्ते भर निशान दिख रहे हैं कि जो कल हुआ उसकी छाप दिखाई। जी बिल्कुल, देखिए रास्ते पर छाप नज़र आ रही है, हालांकि गाड़ियों को अब ज़रूर हटा दिया गया है, लेकिन सड़कों पर बिखरे हुए शीशे पड़े हुए हैं गाड़ियों के, इसके अलावा जले हुए टायर पड़े हुए हैं। और अगर मंदिर तक की बात करूं तो मंदिर तक के रास्ते में जितनी भी दुकानें थी उन सब में तोड़फोड़ की गई है और मंदिर के रास्ते में भी करीब दर्जनों से ज़्यादा गाड़ियों में आग लगाई। साइबर क्राइम थाना, उसको तो लगभग वो थाना जो है वो बर्बाद हो चुका है, सब गाड़ियाँ जला दी। बिल्कुल, गाड़ियां जो वहां पर खड़ी थी उनको जला दिया गया, इसके अलावा एक पुलिस बूथ था उसको जला दिया गया, यानी कि उपद्रवियों के रास्ते में जो कुछ आया उन्होंने सबको जला दिया गया। अगर मैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करूं तो पुलिस ने FIR जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जितने भी वीडियो सामने आए उनके माध्यम से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। और माना एक अपडेट में और आपको कर दूं कि STF ने बाकायदा जाँच शुरू की है। हम जब साइबर थाने पर थे वहाँ STF की टीम आई थी, उन्होंने पूरा जांच पड़ताल करके जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ चीजें हुई हैं और अगर कुछ तस्दीक हो सके कि किस रूट से आए थे उपद्रवी, इसकी जांच पड़ताल STF ने शुरू कर दी है। अभिषेक जरा ये भी बताइए कि आखिरकार कल ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते नूह में हालात हाथ से निकल गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा जा रही थी रोमाना, और जब ये निकली है महादेव के मंदिर से निकली ये आगे बढ़ी है, उसके बाद ही हुआ। देखिए दो तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं, एक वर्जन सामने आ रहा है कि उकसाने वाले नारे लगाए गए, कि ये भी वर्जन सामने आ रहा है, हथियार की बात सामने आ रही है, पत्थरबाजी हुई उधर से, ये वर्जन भी सामने आ रहा है। तो ये दो तरह के, मनोज हमारे साथ में, मनोज दोनों बातें सामने आ रही हैं, उकसाना, नारेबाजी करना, पत्थरबाजी करना, ये दोनों ही वर्जन। बिल्कुल दोनों बातें सामने आई हैं। दरअसल जब शोभा यात्रा करीब 2 से 2:30 बजे करीब मंदिर से निकली, नालेश्वर मंदिर से निकली, और जब वो यहाँ जानकारी मिल रही है इस मेन रोड पर पहुंची है, उसके बाद अचानक से उसके ऊपर पथराव शुरू हो गया, और जब पथराव शुरू हुआ तो क्योंकि लोगों को अपनी जान बचानी थी तो वापस मंदिर की तरफ भागे। जब मंदिर की तरफ भागे हैं तो उपद्रवी इतने ज्यादा थे कि जितनी गाड़ियां यहाँ पर रह गई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, इसके अलावा जो मंदिर की तरफ गाड़ियां पहुंची थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। और करीब, जो मैं अभी पुजारी से बात करके आ रहा हूँ, 2500 से 3000 लोग मंदिर के अंदर बंद थे करीब 2 घंटे तक। एक वर्जन ये है मनोज बता रहे हैं, एक वर्जन साथ में ये भी है रोमाना जो कहा जा रहा है कि जो हमने बात की कांग्रेस के विधायक से, उनका कहना है कि ऐसे नारे लगाए गए उकसाने वाले और हथियार के वीडियोज है। तो दोनों वर्जन, चूंकि जांच चल रही है तो बेहतर होगा कि हम इस जांच का इंतजार करें और जांच का इंतजार करना होगा। और अभी वहां पर जो अलग अलग तरीके की थ्योरी सामने निकल कर आ रही है उसके बारे में दर्शकों को पूरी जानकारी पहुंचानी होगी, हर तरफ का पक्ष दर्शकों के सामने रखना होगा। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो साफ तौर पर उभर कर आ रही है वो ये कि हालात बिगड़े और ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच नूह के कांग्रेस विधायक हैं चौधरी आफताब अहमद, वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने का काम किया था। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे, उन्होंने लोगों को चुनौती दी, वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने का काम किया गया और इसी वजह से नूह जल उठा। और साथ में नूह से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो कुछ यहाँ हुआ उसके बारे में इनसे बात करते हैं। आफताब साहब, आप यहाँ के स्थानीय विधायक, पहले मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या इत्तला है, क्या खबर है, हुआ क्या ये आखिरकार और हुआ क्यों? जो ये कल दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुखद, और इस इलाके के जो सदियों पुराना भाईचारा है जिसमें हजारों सालों से ये लोग मिलजुल के हमेशा रहे हैं, उसको एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उकसा के, और ऐसे तत्वों ने बहुत दिनों से प्रयास हो रहे थे लेकिन कल उनको कामयाबी मिली। बहुत कह रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र है, तो किसका साजिश है? भाई यही है, जो लोग इस इलाके की शांति नहीं देखना चाहते, सोशल मीडिया के बहाने से उकसाया गया प्रशासन को, और उसको संज्ञान था और उन पे मतलब जो है जो उनका दायित्व था वो ना निभा के उनके जो है। क्या मोनू मानेसर वाले वीडियो का जिक्र? मोनू मानेसर भी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने वीडियो छोड़ छोड़ के यहाँ के लोगों को मतलब जो है उकसाने का, उनको जो है चैलेंज देने का काम किया, जिसकी वजह से और पुलिस के सारी चीज़ें जो है प्रशासन के जो है ये नज़र में थी किसी चीज़। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को चैलेंज दे करके उकसाया गया? बेशक बेशक, पूरे इलाके को, पूरे समाज को इस तरीके से टारगेट करके करना। और बताइए, जब वहाँ से ये जो नलहड़ का मंदिर है वहाँ से यात्रा जब चली, तो उसके चलने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये भाई यही पत्थरबाजी जो यही है, जब आप पूरे हालात जाके देखेंगे तो आपको सब अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से जो है पुलिस की प्रबंधन, किस तरीके पुलिस की लापरवाही, और किस तरीके से लोगों को आपस में जो है भिड़ने का जो है वो सबब बना, और उसमें इलाके के भाईचारे को नुकसान हुआ ही हुआ। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में, पूरे उसमें जो है ऐसी माहौल को, ऐसी शांतिप्रिय प्रदेश में ऐसी चीज़ों को होना जो है वो हरियाणा के इतिहास। और बताइए, जो गोलियां चली हैं आफ्ताब साहब, कई फायरिंग हुई है, फायरिंग का क्या आपको इसमें? वो तो आप सारा, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें जांच का विषय है, सब चीज़ें, जो भी दोषी है, हम ये कहते हैं जो भी दोषी है, जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आफ्ताब अहमद हैं, दो बातें कह रहे हैं, पहली बात तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, दूसरी बात कह रहे हैं उकसाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनका आरोप है कि ये उकसाया गया और पुलिस प्रशासन की जानकारी में था, इन्होंने खुद आगाह किया था, ये बात ही बयां कर रहे हैं। कैमरामैन वीरपाल रावत के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज नू। तो आखिर किसने उकसाया, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान आमने सामने आएगा तो आखिरकार इससे किसका फायदा होगा, इस सवाल का जवाब आप खुद तलाशिएगा। इस बीच हरियाणा के नूह में, हिंसा में, मोनू मानेसर का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, मोनू मानेसर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें 31 जुलाई को नूह में होने वाली शोभा यात्रा के लिए भीड़ जुटाने की बात खुलेआम कही जा रही है। और आपको बता दें, ये वही मोनू मानेसर है पिछले 5 महीने से जो फरार चल रहा है, जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर वांटेड है। जय गो माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की, जय हो, जय हो, जय हो। तो ये मोनू मानेसर है, फरार आरोपी है, और देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा है। इस बीच मोनू मानेसर है कौन, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, विस्तार से जरा जल्दी से लेकर आइए जानकारी स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कौन है मोनू मानेसर। पहला पॉइंट आपके सामने, कौन है मोनू मानेसर? पहला पॉइंट है 5 महीने से फरार आरोपी है मोनू मानेसर। और जानकारी मोनू मानेसर के बारे में आपको बता देती हूँ, जुनैद और नासिर हत्याकांड याद है ना आपको, उसी में वॉन्टेड है ये मोनू मानेसर। इतना ही नहीं, 16 फरवरी की तारीख थी जब जुनैद नासिर की हत्या हुई थी और तभी से ये मोनू मानेसर जो है फरार चल रहा है। किडनैपिंग के बाद हत्या का आरोप मोनू मानेसर पर लगा। अब तक हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ नहीं पाई है। जुनैद नासिर को जिंदा जलाने का आरोप इस मोनू मानेसर पर लगा हुआ है। 8 साल पहले बजरंग दल से जुड़ा और तब
से लगातार मोनू मानेसर, जिसका अक्सर नाम सामने आता रहा शरारती तत्व के तौर पर, और खास तौर से ये जो मामला था जुनैद नासिर हत्याकांड का, जहां दोनों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें आरोपी मोनू मानेसर जो अब तक फरार है, लेकिन फरार मोनू मानेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है और उसी को अब बताया जा रहा है कि आधार बना है इस हिंसा का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार मौजूद हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं हम तक। अभिषेक, लेकिन सवाल ये कि किसने उकसाया, क्यों उकसाया, एक किनारे पर लगाकर इन सवालों को, उससे महत्वपूर्ण क्या ये जवाबदेही नहीं हो जाती है कि हालात बिगड़ने क्यों दिए गए, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने क्यों दिया गया, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों ये भीड़ इतनी उग्र हो गई कि हालात ऐसे हो गए, नूह जल उठा, 3 लोगों की मौत हो गई। अभिषेक, इन सवालों का जवाब कौन देगा? बिल्कुल रोमाना, देखिए ये बड़ा सवाल है जो आप बता रही है। अभी मैं मनोज और हम यही बात ही कर रहे थे कि आखिरकार जिम्मेदार कौन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, सियासत की बात भी सामने आ रही है रोमाना। कांग्रेस के विधायक ने ऑन रिकॉर्ड मोनू मानेसर का नाम लिया है और ये भी कहा है कि जो यात्रा में थे उनके पास हथियार थे। उधर से कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी टारगेट करके की गई। लेकिन इस बीच मनोज ये बताइए कि भीड़ जो थी और जो पुलिस की संख्या थी, उसका कोई मैच नहीं था। बिल्कुल भी कोई मैच नहीं था, और अगर शोभा यात्रा की परमिशन दे दी गई थी तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का फेलियर माना जाएगा, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क का फेलियर माना जाएगा कि इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पूरा एक्टिव था और पुलिस की संख्या कम थी, तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जरूर लेनी। वीडियो में जो बातें सामने आई है मनोज ना, उन बातों को देख करके लग रहा था कि पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था कि हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ पहले भी बिगड़ चुके, पहले भी कई बार इस तरीके से हो सकता है, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था, तमाम मीडिया के लोग भी अलर्ट थे। पुलिस के इंटेलिजेंस नेटवर्क का जबरदस्त फेलियर ये माना जा सकता है और कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जितनी भीड़ थी उतनी पुलिस कर्मियों की संख्या यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं रोमाना, अभी हमने एक अच्छा देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार पुलिस जब इजाजत देती है शोभा यात्रा की, तो फिर आखिरकार वहां पर सुरक्षा के इंतजाम उस रूप में क्यों नहीं किए जाते, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ये वो तमाम पॉइंट्स है जहां पर फेल नजर आती है हरियाणा पुलिस। और इस सबके बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, मेवात के नूह की तुलना मिनी पाकिस्तान से उन्होंने कर डाली। वो कह रहे हैं विपक्षी दलों ने राजनीति के लिए एक समुदाय विशेष को शह दी, जिसके चलते आज इस इलाके में हालात ऐसे हैं कि जब भी किसी मुस्लिम इलाके से हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मैं साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, जो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि किस तरीके से आगजनी, पथराव, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहेंगे, आखिर इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों ये सामने आ रही हैं, क्यों? देखिए, नूह और मेवात में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इसी प्रकार की घटनाएं दिल्ली में हुई, कुछ देश के अन्य हिस्सों में हुई। मुझे लगता है कि ये कोई विदेशी ताकत इसके पीछे काम कर रही है। और नूह और मेवात का जो इलाका है, यदि मैं ऐसे ये कहूँ कि मिनी पाकिस्तान बन गया है और देशद्रोही लोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हरियाणा की सरकार को दंगाइयों को कुचल देना चाहिए, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए और कठोर से कठोर जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो करना चाहिए, और इतनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि देश भर में जो भी दंगा फसाद करते हैं, अशांति फैलाते हैं, देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, वहाँ तक वो संदेश पहुँचना चाहिए। और मेरे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदुओं के मोहल्लों में उनके ताजिया निकले, अन्य जलूस निकले, कभी कोई दंगा नहीं होता, लेकिन मुस्लिम इलाके में कोई भी हिंदू क्या नाम है, किसी प्रकार से कोई यात्रा निकले, कुछ भी निकले, तो मुस्लिम समाज के लोग क्या नाम है दंगा करेंगे, दंगा करते, क्या मतलब है इस बात का? यह बिल्कुल सुनियोजित सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं INDIA के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी जवान को है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, उनकी जवान को लकवा क्यों मार गया? वो राजनीति उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आप इसको मिनी पाकिस्तान करार दे रहे हैं। अगर मिनी पाकिस्तान ऐसे शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमारे देश में हरियाणा में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो क्यों इस तरीके का मिनी पाकिस्तान बना दिया गया, अगर आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस प्रकार के तत्व आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक ऐसे कानून लंबे समय तक
तो ये बीजेपी सांसद हरनाथ यादव को आप सुन रहे थे। और इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर बोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियाँ भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे। और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आप जो मर्जी प्रश्न पूछना, मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूँ ना। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आई हैं। दो होमगार्ड के जवान जो गुड़गांव पुलिस के साथ गए थे, वो जो एंट्री पॉइंट पे उनके ऊपर पथराव हुआ है, वो शहीद हुए हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहाँ पर भी गोली लगी है उनको। उनको जो मैदानता में एडमिट करवाया गया है और 15 लोग नल्लर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी शनाख्त अभी हो रही है। और 3 पुलिस कर्मचारी जिनको की गोली लगी है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाई रखी गई है कि अगर कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि अचानक हुई हिंसा नहीं है, किसी ने जहर बोया। कह रहे हैं नूह इलाके में तो दोनों समुदाय बहुत प्यार से रहते आ रहे हैं। ये शोभा यात्रा भी हर साल निकाली जाती है और हर साल जितनी फोर्स लगाई जाती है शोभा यात्रा में, इस बार भी उतनी ही फोर्स लगाई गई। ऐसे में राज्य सरकार जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है, पूरी जांच होगी और उसके बाद ही सच को सामने लाएंगे, ये कहना है अनिल विज का। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं मनोज वर्मा भी मौजूद है। अभिषेक, अब सवाल ये कि हालात काबू करने के लिए कल तक के लिए तो कर्फ्यू लगाया गया है, फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं, किस तरीके से दोनों समुदायों में भाईचारा कायम हो, इसके लिए क्या कुछ पीस कमिटीज वगैरह का गठन और दोनों समुदायों में आपस में बातचीत की कोई पहल भी की जा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से ये हो रहा है और मनोज, ये जो जिस तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है दोनों ही समुदाय के जो विशिष्ट लोग हैं उनकी आपस में पीस कमेटी की बातचीत कराए, ये रात में भी हुआ है और आज भी ये होने की, रात में भी हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि 11 बजे के बाद ये एक मीटिंग जो है दोनों समुदाय की जो है दोबारा से बुलाई जा सकती है। और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहीं नूह में मौजूद हैं, जो कि लगातार आपने देखा भी थोड़ी देर पहले सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मंदिर भी गए थे। तो उनकी कोशिश ये है कि स्थिति जरूर तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। एक बड़ा सवाल ये है रोमाना, जिस तरह से हथियारों का जो ढेर देखा गया है वो आखिरकार कहाँ से आया है, कौन लोग उसको लेकर के, और ये जो पत्थरबाजी शुरू हुई, ये सारी जो चीजें हैं और जो यात्रा में भी जो वीडियो आ रहे हैं, ये सारी ही चीजें ये सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, इसी वजह से गृहमंत्री हरियाणा के अनिल विज, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि साहब ये जो हिंसा हुई है अचानक हुई हिंसा नहीं लगती है, गहराई से जांच जरूरी है। फिलहाल सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। हरियाणा के नूह में हिंसा, नूह में साइबर क्राइम के थाने में तोड़फोड़ की गई, इसे जलाने की कोशिश की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। मौके पर आज सुबह एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, ये नूह के थाना साइबर क्राइम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है, इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि कहीं कोई निशान तक ना रह जाए, ये कोशिश थी। देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए
ये दूसरी गाड़ी, एक के बाद दूसरी गाड़ियों का सिलसिला है, इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है। और किस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी यहाँ जान बचाई होगी ये देख करके ही समझा जा सकता है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो बस खड़ी है, इस बस को सीधा, ये जो दीवार है थाने की, ये सीधा इस दीवार से टकराई है और इसके शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये स्थिति है और सामने से भी ये बस पूरी तरह से टूटी फूटी हुई है, यानी कि एक एक चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और अब हम ये जो थाना है, इस थाने के गेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमको जो स्थितियाँ हैं वो और भी ज़्यादा भयावह दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ किस बुरी तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है, एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर फूंक दी गई हैं और इस पूरे थाने को घेर लिया था उपद्रवियों ने, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम न्यू यहाँ लिखा हुआ है। चारों ओर से इस थाने पर उपद्रवी हावी थे, दंगाई हावी थे और इस पूरे थाने को फूंकने की कोशिश की गई। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अपने आप में एक बेहद ही चैलेंजिंग और बेहद ही दुखद तस्वीर थी। अब देखिए, आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इस थाने को चारों ओर से घेरा गया था। हम बाहर से एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए, आपको हम इसके भीतर, इस थाने के भीतर, और आपको इन सब दीवारों को फांद फांद करके दंगाई आए थे और ये देखिए किस तरह से जला दिया गया है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, ये जो इनकी बैरक है इसको भी फूंक दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस थाने को पूरी तरह से दंगाइयों ने अपने कब्जे में किया हुआ था, संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दंगाई बेखौफ थे और पूरे यहाँ के इस थाने को उन्होंने नष्ट कर देने की, बर्बाद करने की कवायद की थी और एक मैसेज देने की कवायद की थी कि किस तरह से दंगाई कानून व्यवस्था पर हावी होते हुए नजर आए थे। कैमरापाल बीरपाल रावल के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ नू। इतना ही नहीं, ये जो नू में हिंसा हुई है, पुलिस जवान ने इस हिंसा की पूरी खौफनाक कहानी बताई। 1500 लोगों की भीड़ थी जिसने एक वक्त में थाना घेर लिया था। थाने के भीतर महज 3 से 4 पुलिस वाले ही मौजूद थे। हिंसा के वक्त घायल पड़े हुए थे पुलिस जवान। हरियाणा एसटीएफ जांच करने के लिए साइबर क्राइम थाने पहुंची है, लेकिन सुनिए अब जरा इस हिंसा की, आंखों देखी। हरियाणा की जो एसटीएफ है वो यहां पहुंची है जांच के लिए। ये जो नूह का साइबर थाना है, यहाँ पर जिस तरह से इसको जलाया गया है, ये देखिए आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इसको आग लगाया गया, किस तरह से इसको उपद्रवियों ने चारों ओर से घेरा था और कैसे एक के बाद दूसरे जो हैं जो गाड़ियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पर बाकायदा गोलियाँ चली। ये सारी जो जानकारी है ये जो यहाँ के जवान हैं वो एसटीएफ को दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरा ये जो बोर्ड है इसका वो भी यहाँ पर गिरा हुआ हमको नज़र आ रहा है। आग लगाई गई है, एसटीएफ की टीम देखिए यहाँ से पूछताछ करके अब जा रही है। तो जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो गया है और सबसे अहम बात ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिरकार जो दंगाई थे वो कौन थे, उनका मकसद क्या था। आप थे क्या उस समय जब ये सब आए? ये उस समय बाद में आए थे जब तुरंत उसके बाद थाने में। क्या बहुत बुरी तरह जला है? और कब भीतर जो बाइक वगैरह जो है, जो कुछ 2-3 मुलाजिम थे उन्होंने अपनी मुश्किल से जान बचाई है। जब यहाँ पहुँची तब क्या देखा आपने? जब देखे तो 2-1 मुलाजिम जो भी है वो सीरियस हालत में यहाँ पर पड़े थे। अच्छा। हाँ, उन्हें फोर्स के ही थे। क्या गोली लगी थी? गोली नहीं, उनके सिर पे चोट वगैरह और गुम चोट वगैरह लगी थी जो उन्हें ले गया। अभी वो सीरियस है,
कितने बजे बात होगी? करीबन 2:30-3 बजे के बीच में की बात है। हाँ, यहीं पड़े हुए थे? यहीं पड़े थे। स्थानीय को चारों ओर से घेर लिया था? चारों ओर से 1500 लोग थे, चारों दीवारों से तोड़ फोड़ हो रही है, सब पत्थर है, इस बस से दीवार गिरी है पहले। यहाँ कितने लोग होंगे थाने के? थाने के अंदर 3-4 लोग थे। हाँ जी। और 1500? हाँ जी, दंगाई थे। कैसे बचाया गया? उन्होंने फायरिंग, हवाई फायरिंग करी है, जैसे फिर फोर्स आई है, जैसे तैसे जब भागे वो भागे। हाँ जी। अभी भी ये रिस्क है आप लोग? अभी भी बना हुआ है? नहीं, अब तो काफी फोर्स आ गया, अब कोई डरने की कोई बात नहीं है, जैसे भी है सेटलमेंट है। अंदर ही फूका है ना? अंदर ही फूक रखे बाइक वगैरह जी। तो ये यहाँ की तस्वीर है, किस तरह से बाइक फूकी गई, किस तरह से गाड़ियाँ फूकी गई हैं। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई, उसने पूरी जांच पड़ताल की है और यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भी दंगाई आए थे, इनका क्या रूट था, साथ में कौन कौन लोग थे और किस साजिश के तहत इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया है। तो ये नूह से आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे थे। देखिए, मेवात के नूह में हिंसा हुई, लेकिन इसका असर वो गुरुग्राम के सोहना तक नजर आ रहा है। यहाँ भी तोड़फोड़ हुई है, आगजनी की गई है। सोहना से एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेवात में एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी और वहां पर जब पथराव होता है उसके बाद वहां पर तनाव वाली स्थिति हो जाती है, फायरिंग होती है और उसके बाद उस हिंसा की लपटें सोहना तक पहुंच जाती हैं। और सोहना की आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम, मेरे कैमरा पर्सन आप राजेश कुमार आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहां पर हर ओर जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आगजनी हुई है और उस आगजनी के बाद क्या कुछ बंजर रहा है। सड़कों की स्थिति देखिए, सड़कों पर आपको जगह जगह पर पत्थर आपको नजर आएंगे और इसके अलावा जो भी जली हुई राख है उसके टुकड़े आपको नजर आएंगे। सामने की ओर आपको घर दिखाएं तो मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार आपको जूम करके दिखाएंगे कि घरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कई घर हैं जिन्हें पूरी तरह से जला दिया गया है, आगे वाले हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा उन पर नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए सोहना की हैं, जहां पर जब बीते रोज़ हिंसा भड़की, दो गुटों के बीच यहां पर भी झड़प हुई, उसके बाद इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति हुई और उसके बाद अलग अलग जो भी दुकान हैं, मकान हैं या फिर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन्हें किस तरह से यहां पर उनके चीज़ों को आग के हवाले किया गया। सोहना समेत कई इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इलाके के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये हिंसा, क्या ये आगजनी जानबूझकर भड़काई गई और पुलिस प्रशासन या सरकार की ओर से कब तक इस हिंसा पर, इस आगजनी पर कब तक पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, सोहना, हरियाणा। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी कश्मीर इलाका, यहां तंगधार में एक ट्रक और एक सुमो गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है, 9 लोग घायल हो गए हैं। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद सेना के जवानों ने घायलों की मदद की। तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ, तेज रफ्तार ट्रक और दूसरी तरफ से आ रही सुमो गाड़ी में टक्कर, 9 लोग घायल हो गए। हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो और हादसा कितना जोरदार था आप देख रहे हैं, किस तरीके से चिंगारियां उठती हुई नजर आ रही हैं। सेना पहुंची मदद करने के लिए, घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। तो ये जोरदार टक्कर हुई, हादसा बड़ा था, भीषण हादसा था, उत्तरी कश्मीर के तंगधार में हुआ है और ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक बेकाबू सा होता चला गया। न सिर्फ गाड़ियों के साथ टक्कर बल्कि सामने जो बाउंड्री वॉल है, जरा गौर से देखेंगे आप तो नजर आएगा, जो बाउंड्री वॉल है उसको भी तोड़ता हुआ ये ट्रक नजर आया और वहां पर जो तार, उनमें चिंगारियां उठती हुई भी नजर आ रही। जैसे ही हादसा हुआ फौरन ही मौके पर सेना के जवान पहुंच गए,
घायलों की मदद करना शुरू कर दिया। राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तेजी के साथ। जो स्थानीय वहां पर मौजूद थे वो भी मदद के लिए आगे आए और फिर नजदीकी अस्पताल में घायलों को इस वक्त भर्ती करा दिया गया है। ये देखिए, इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आप देख रहे हैं। सामने बाकायदा बाउंड्री वॉल, उसको तोड़ता हुआ ये ट्रक बाउंड्री वॉल में घुसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बेकाबू ट्रक नजर आ रहा है। देखिए, लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल पेश होना है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्ष ने बैठक की है और इस बैठक में अब आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। तो लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल पेश होने से पहले विपक्ष एक बार फिर अपनी रणनीति को धार देता हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें विपक्षी दलों ने शिरकत की और सदन में क्या रणनीति रखी जाएगी इसी को लेकर चर्चा की गई है। एक्शन प्लान तैयार किया है विपक्षी नेताओं ने। संसद का मानसून सत्र लगातार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा किस नियम के तहत हो इसी को लेकर हंगामेदार रहा है। अब तक पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बन नहीं पाई है, चर्चा हो नहीं पाई है और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। अब आज सरकार की तैयारी पूरी है दिल्ली वाला बिल लेकर आने की और इसी को लेकर अपनी रणनीति को धार देता विपक्ष एकजुट बैठक करता हुआ नजर आ रहा है।